तो अगर मान लो किसी टॉपिक में ऐसे आ जाए टू फाइंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट पी के ऊपर मुझे क्या निकालना है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, लेकिन गिवन क्या होगा इसमें, एक्स। तो इसमें क्या करना है, इसमें और इसमें बोलो पाथ डिफरेंस क्या होगा, बोलो पाथ डिफरेंस क्या होगा, एक्स स्मॉल डी बाय कैपिटल डी। तो आप उस पी पॉइंट पर एक्स की हेल्प से पाथ डिफरेंस निकाल लोगे। तो फिर बताओ फेज डिफरेंस क्या होगा, फेज डिफरेंस क्या होगा, 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। अब मेरे को पता है कि यहां पर पाथ डिफरेंस की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, एक्स डी बाय डी, इसको उठा के यहां पुट करेंगे तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू आएगी 4i0 cos स्क्वायर, फाई की जगह पुट करेंगे 2π/λ इंटू एक्स डी बाय डी डिवाइडेड बाय 2, आंसर ये आंसर आएगा। अब आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएंगे, आपको वो कहेगा कि मान लो वो पॉइंट है थर्ड मैक्सिमा का, तो थर्ड मैक्सिमा का डिस्टेंस तो आप निकाल ही लोगे एक्स, कैसे निकालोगे, एन लैम्डा डी बाई डी से। तो वहां से एक्स की वैल्यू निकाल के क्या निकलेगा, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस से क्या निकलेगा, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस पुट करके क्या आएगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो आइडिया क्लियर है कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व।